दोस्त, आप बाजार जाते हो, वहां पर क्या होता है, अक्सर आप महंगी चीजों को इग्नोर करते हो क्योंकि आप उन चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बस रिजेक्शन का भी कुछ ऐसा ही है भाई, या तो वो चीज आपके लायक नहीं है या आप खुद उस चीज के लायक नहीं हो। इन दो केसेस में ही रिजेक्शन होता है। बस देखो, सिंपल सी एक बात है, कोई माथा फोड़ी की बात नहीं है भाई। या तो आप उस चीज के लायक नहीं हो या वो चीज आपके लायक नहीं है, तभी तो रिजेक्शन होगा। आप इंटरव्यू देने गए, रिजेक्ट होके आ गए। आप एग्जाम देने गए, रिजेक्ट होके आ गए। आपको किसी लड़की ने मना कर दिया, आप रिजेक्ट हो गए। दोस्त ने पार्टी रखी है, सबको बुलाया है, आप ही को नहीं बुलाया, रिजेक्ट होके आ गए। अब रिजेक्शन के बाद जो फीलिंग आती है वो कहीं ना कहीं मौत से भी बड़ी होती है भाई। चलो, मौत तो एक बार को आ जाए, बंदा खत्म हो जाता, मगर रिजेक्शन वाली जो फीलिंग होती है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। देखो दोस्त, मैं आपको बिल्कुल समझ सकता हूँ कि रिजेक्शन के बाद क्या फीलिंग होती है। मैं खुद 15-20 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। इंटरव्यू के लिए गए, इतनी दूर किराया लगाया और वहां से रिजेक्ट होके आ गए, तो बहुत बुरा लगता है। मगर उसके बाद क्या, दो कारण है उसके बाद। या तो मातम मनाओ, डिप्रेशन में चले जाओ कि मैं रिजेक्ट हो गया, मैं किसी लायक नहीं हूं, या संघर्ष करो, आगे बढ़ो। दो ही कारण है ना भाई, या तो रोते रहो या उठो भागो और अचीव कर लो चीजों को। भाई, जो महंगी वस्तुएं होती है ना, उन्हें बहुत कम लोग खरीद पाते हैं, ध्यान रखना। और आप बहुत महंगे हो। अब ये मत समझ रहा मैं आपको बढ़ा रहा हूं, मैं आपको चढ़ा रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं चीजें। भाई, बेस्ट अभी आने को है। अगर आप किसी चीज में रिजेक्ट हुए हो तो ये मत सोचो कि आपके अंदर कमी है, ये सोचो कि वो चीज आपके लायक नहीं है। कोई बात नहीं, आप मेहनत करोगे और आगे बढ़ोगे, मगर इस चीज को नेगेटिव में मत लेना बिल्कुल भी। अब भाई, आप कहीं से रिजेक्ट होके आए हो, सबसे पहले तो ये बात मानो, स्वीकार करो कि आप रिजेक्ट हो गए हो। कई लोग मानते ही नहीं है, वो कहते हैं कि उसके अंदर कमी है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, साले की कंपनी खरीद लूंगा 10 साल के बाद, देखना। अच्छी बात है, आपका ये अच्छी सोच है, मगर उसको नेगेटिव में मत लेने दो, नेगेटिव मत आने दो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। कहीं पे मैं पढ़ रहा था, 10 लोग इंटरव्यू के लिए गए एक कंपनी में, 9 लोग सेलेक्ट हो गए, एक अकेला फेल हो गया। KFC का इंटरव्यू चल रहा था, 9 लोग सेलेक्ट हो गए, एक अकेला फेल हो गया। अब सोचो, 9 लोग सेलेक्ट हो जाए और एक अकेला फेल हो जाए, उस अकेले पे क्या बीतेगी। मगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करी, लाइफ में आगे बढ़ा। चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति आज वही है जो रिजेक्ट हुआ था, सर्च करना जरा गूगल पे। तो भाई, रिजेक्शन का मतलब होता है परफेक्शन। जब आप रिजेक्ट हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आप परफेक्शन की ओर बढ़ रहे हो। और ऐसा कौन है जो विश्व में रिजेक्ट नहीं हुआ है, बताइए मुझे जरा। अमिताभ बच्चन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सभी तो रिजेक्ट हुए हुए हैं कहीं ना कहीं। मैं खुद 15-20 बार रिजेक्ट हुआ हूं भाई, मैं तो बहुत छोटा हूं। कोई बात नहीं, जॉब में बैक टू बैक मैं 10 बार रिजेक्ट हुआ था, विश्वास मानिए। मैंने सीखा, आगे बढ़ा। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही था, आपके ऊपर है, आप चीजों को कैसा लेते हो। दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। या तो आप रोते रहिए या आंसू पोंछिए, आगे बढ़िए, भागिए और अचीव कर लीजिए, आपके ऊपर है। मगर रिजेक्शन एक परफेक्शन होता है, लाइफ में रिजेक्शन का होना बहुत जरूरी है, तभी आप महंगी चीजों को खरीद पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।